वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आप लोगों की फरमाइश पर सिंपल मज़ेदार सा टिरामिसू बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ हैवी व्हिपिंग क्रीम है, जिसको कुछ लोग डबल क्रीम भी कहते हैं, क्रीम भी कहते हैं, वो जो व्हिप कर सकते हैं, वो जो फूल जाती है ना, ये वो वाली क्रीम है। वो ठंडी होना ज़रूरी है, तो ये ठंडी है और हमारी थोड़ा लिक्विड की तरह आती है, लेकिन एक्चुअली ये सेम ही है। अगर आपकी फिटी भी आती है तब भी सेम है, थोड़ा और फेंट लीजिएगा। तो बहरहाल ये 2.5 कप है, इसको अब हम फेंटते हैं। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत हो तब आप क्या कीजिएगा, ये विस्क करने वाला जो है ना, ये हैंडल, इसको भी आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ये बर्तन को भी रख दीजिएगा, ताकि क्या वो हीट इफ़ेक्ट नहीं करे और जल्दी से विप हो जाए। ठंडा होना ज़रूरी है। देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया है, तब इसमें हम क्या करेंगे, शुगर डालेंगे। यहाँ मेरे पास पाउडर शुगर है 4 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये डिज़र्ट जो है वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बिटर की साइड पे और क्रीमी साइड पे ज़्यादा होता है, तो ये मुनासिब सी डाल रही हूँ मैं। तो चले 4 टेबल स्पून ये डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे, अदरवाइज़ पूरा पाउडर शुगर वाले आप ही हो जाएंगे। चले शुगर अच्छे से मिल गई है। अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास यहाँ है 1 कप मास्कारपोन चीज़। अब मास्कारपोन चीज़ जो है वो इजीली अवेलेबल हर जगह नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप 1 कप बहुत गाढ़ा गाढ़ा मीठा वाला, जैसे खट्टा ना हो, वो दही जो है आप पोटली बना के उसकी लटका दें और उसका जब पानी पूरा निकल जाए वो आप डाल सकते हैं, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। और दूसरी सूरत में आप सार क्रीम भी डाल सकते हैं, वो क्रीमी ज़्यादा होता है, लेकिन सार नाम है लेकिन वो इतना सार नहीं होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट है, जिनको मिल जाए वो यही डाल दें। थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं इसमें पहले। तो चलें इसको डाल देते हैं। चलें अब इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चले ये अच्छे से हो गया, अब इसको ज़रा किनारे रख देते हैं। और कोई भी डिश ले सकते हैं आप, राउंड ले लें, स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, कोई भी ले लें। मैंने ये पिक किए, इसको लेते हैं। और यहाँ देखें मेरे पास ब्लैक कॉफ़ी है। बेसिकली मैंने क्या किया, 1 कप पानी लिया और उसमें 2 टीस्पून कॉफ़ी डाल दी। अब आपके टेस्ट पर है, अगर आपको ज़्यादा और भी स्ट्रॉन्ग पसंद है तब आप 3 भी डाल सकते हैं, 1.5 भी डाल सकते हैं। बस गर्म पानी में इसको मिक्स करके रख दिया, अब ये रूम टेम्परेचर है। तब कोई से भी आप क्या कहते हैं कुकीज़ या क्रैकर्स ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये होते हैं लेडी फिंगर, जो कि इजीली अवेलेबल है। तो इसको हम सोक करके और यहाँ डिश में रखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सोक नहीं करेंगे, ऐसा इस तरह से करके और रखते जाएंगे। तो रियल क्विक निकाल के डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हमें सोक नहीं करना है ऐसे। अगर आपकी इंस्टेंट कॉफ़ी ना हो तब आप चूल्हे पे बना के और थोड़ी सी ठंडी कर लें, और अगर इंस्टेंट है तो गर्म पानी में डाल दें और फिर ठंडी हो जाए तो यूज़ कर लें। और ये छोटी जगह है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा काट दिया है, तो ये डाल देंगे। आपकी भी डिश जैसी हो ना, उस हिसाब से आप थोड़ा काट कूट के और मैनेज कर लेना। चले तो ये 1 लेयर हमने डाल दी है, अब हम इसके ऊपर ये स्प्रेड करेंगे। आधा अभी लेंगे और आधा नेक्स्ट लेयर के लिए रखेंगे। तो अब इसको स्प्रेड कर देंगे, है ना, कितना सिंपल इजी, और इतना महंगा मिलता है मार्केट में और लोगों को इतना पसंद है।
ख़ास तौर से जो कॉफ़ी लवर्स हैं ना, उनको तो मज़ा आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम दोबारा वही लेयर लगा देंगे। और अब इस पे स्प्रेड करेंगे बाकी जो हमारा क्रीम बचा है ना वो। बस अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और नीट लुक थोड़ा कर देंगे। बस ये हो गया। अब हमारे पास देखें कोको पाउडर है जो कि है अनस्वीटेंड, इसको ऊपर छिड़केंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आपको कितना पसंद है। आम हालात में तो बहुत सारा डाल देते हैं, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून, लेकिन ये कि बेटर होगा। अब आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस पर है कि आपको कितना पसंद है। ये देखें पूरी बारिश हो गई कोको पाउडर की। अब थोड़ा सा आसपास से पहुंच के उसको नीट लुक कर देते हैं। और इसको आप फ्रिज में रखेंगे और बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तकरीबन 3-4 घंटे भी लग सकते हैं और 2 घंटे भी लग सकते हैं, फ्रिज के ऊपर है, लेकिन इसको अच्छा से सेट करना है। तो चलें मैं अराउंड 2-2.5 घंटे के बाद मिलती हूँ और उसको फ्रिज में रखती हूँ। देखें हमारे डिज़र्ट को रखे हुए फ्रिज में 2-2.5 घंटे हो गए, तो टिरामिसु को लेकर आते हैं। ठंडा ठंडा चिल्ड। चले काटते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से निकला और अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इट्स वेरी लाइट, मज़ेदार, हल्का फुल्का। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कॉफ़ी का फ्लेवर भी स्ट्रांग लग रहा है, कोको पाउडर का भी जो कि एक्चुअली है ही इस तरह का, तब आप शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाल दें। और अगर आपको बिटर बहुत पसंद है, स्ट्रॉन्गर पसंद है, तब आप कॉफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्गर भी ले सकते हैं, मज़ीद शक्कर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। सबका अपना अपना फ्लेवर है और पसंद है, ये बिल्कुल मुनासिब है। तो चलिए एक आप लोगों के लिए लेती हूँ। लाइट, सूदिंग, मज़ेदार। तो जल्दी जल्दी जाएँ बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।